हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा वीडियो सीए और सीएफए में एग्जामिशन मिलता है कि नहीं, पूरा वीडियो इसी के ऊपर है। सीएफए और सीएमए जो आपका कोर्स है उसका ड्यूरेशन क्या है और कोर्स दोनों ही सेम है कि नहीं, इस पे पूरा वीडियो है। और डिटेल्स जानने के लिए पूरा वीडियो के देखिए। आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, मैं जया आज आपको सीएफए इंस्टीट्यूट और सीए इंस्टीट्यूट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी, वो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हर किसी को नहीं पता होता है। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, इज एनी एग्जामिशन अवेलेबल फॉर द सीएफए एग्जाम्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ सीए, या आप सीएफए कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप सीए करें तो आप वो कर सकते हैं कि नहीं। आज की जो हमारी पूरी वीडियो है उसी के ऊपर है, एग्जामिशन मिलता है या नहीं वो बताने से पहले दोनों कोर्स के ऊपर जो हमारी बेसिक डिफरेंस है वो बता देती हूँ। जो सीएफए इंस्टीट्यूट है उसका जो फुल नेम है वो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है और ऑफर करता है सीएफए इंस्टीट्यूट। सीए का जो फुल फॉर्म है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऑफर करता है द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। दोनों ही कोर्स आपका सेपरेट बॉडी डील करती है और एग्जाम्स पैटर्न्स भी दोनों के अलग हैं। दोनों कोर्स में एक बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जो बेसिक बेनिफिट्स है वो है, आप अगर आप सीएफए कर रहे हैं और कर चुके हैं तो आपको 60% जो सिलेबस है आपका सीए का या सीएफए का वो कवर हो जाता है, दोनों में से कोई भी आप एक कर चुके हैं या कंप्लीट कर रहे हैं। और ये बेसिक डिफरेंस है कि आपका 60% जो कोर्स है वो कवर होता है। सीएफए इंस्टीट्यूट आपका वर्ल्ड वाइड कोर्स है और सीए आपका इंडिया बेस्ड कोर्स है। सेकंड आता है सिलेबस। सिलेबस अगर आप देखें तो इसमें आपको सीएफए करने के लिए आप ग्रेजुएशन के बाद भी आप सीएफए कर सकते हैं और इसमें 3 लेवल का एग्जाम्स होता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। सीए में आपका अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इंटर कर सकते हैं डायरेक्ट और उसके बाद फाइनल। लेकिन आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले सीपीटी करना पड़ेगा, उसके बाद आप सीए और सीए इंटर के बाद सीए फाइनल कर सकते हैं। और अगर हम कोर्स ड्यूरेशन देखें इसकी, तो इस कोर्स ड्यूरेशन इसका है 2 ईयर्स है आपका सीएफए का, और सीए का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है आपका 3 से 4 साल। 3 से 4 साल में आपका 3 साल का जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है इसमें, जो आपको मैंडेटरी है करना। और दोनों ही कोर्स आप पैरेलली कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप सीए कर रहे हैं तो आप सीएफए भी कर सकते हैं और सीएफए कर रहे हैं तो सीए भी कर सकते हैं, तो दोनों कोर्स आप पैरेलली इसको एक साथ कर सकते हैं। अब आता है कि आपको एग्जामिशन मिलता है कि नहीं, कि दोनों कोर्स करने के बाद मान लीजिए आप क्वालिफाइड सीएफए हैं और फिर क्वालिफाइड सीए भी हैं, तो दोनों में से एक डिग्री आपके पास है, आप चाहते हैं कि आप दूसरा डिग्री भी करें, तो इसमें आपको एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं। आज का जो हमारा लाइन है वो यही है कि आपको एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा इसमें। अगर आप सीएफए कर रहे हैं, सीए कर चुके हैं और सीएफए करना चाहते हैं तो कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, और अगर आप सीए कर चुके हैं, सीएफए कर चुके हैं और सीए करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको पैरेलली कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगा। सीएफए जो है आपका वर्ल्ड वाइड है और सीए आपका इंडिया बेस्ड है, तो आपको दोनों ही कोर्स सेपरेटली करना पड़ेगा, एग्जामिशन की बेनिफिट्स नहीं है। और कोई भी अपडेट आया होगा नया तो आप उसकी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।